हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विदेश के में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है, तो कहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्या लीगल एक्शन आप उसके खिलाफ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं आज के कंटेंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक एम्प्लॉयज, के बैंक एम्प्लॉयज अगर आपके साथ बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप कहां कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बैंक और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ जो है तीन तरीके हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं वो कौन से तरीके हैं। पहला तो हो गया फाइल अ रिटन कंप्लेंट इन अ बैंक। हर बैंक में एक शिकायत सेल होता है, आप इस शिकायत सेल पर सेल में जाकर बैंक अफसरों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको लिखित रूप में बैंक अफसरों से अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका है इसमें कंप्लेंट ऑन द टोल फ्री नंबर। अगर अफसरों के पास शिकायत दर्ज कराने के साथ ही आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज कराने के पश्चात अपनी कंप्लेंट आईडी जरूर प्राप्त कर लें, तो टोल फ्री नंबर से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तो था सेकेंड तरीका इसका। थर्ड इसमें बैंक फाइल कंप्लेंट एट अ बैंक वेबसाइट, जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज कराने के पश्चात आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे आपको अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने के पश्चात आपसे बैंक अधिकारी संपर्क करेंगे और कम से कम समय के अंदर आपकी समस्या का निपटारा करेंगे। तो ये तो थे तीन तरीके जो आप बैंक कर्मचारी की जो शिकायत है दर्ज करा सकते हैं तीन तरीके से। अब इसमें लास्ट एक चीज और है कि आपको वेट फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में। बैंक का जो शिकायत सेल होता है या फिर टोल फ्री नंबर से आप दर्ज करा रहे हैं बैंक में, या फिर वेबसाइट से शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तो कम से कम 30 दिन का इंतजार इसमें करना चाहिए। 30 दिन के अंदर अगर आपके पास आपकी जो शिकायत है वो नहीं सुनी जाती है, तो इसमें एक चारा रह जाता है लास्ट की, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन, जिसे बैंक लोकपाल भी कहा जाता है, आप वहां पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 30 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आप बात करते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन एक ऐसा वरिष्ठ अधिकारी होता है जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करने के लिए RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये तो होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ग्राहकों की सभी शिकायतों का निराकरण करते हैं, जिसके ऑफिस अधिकतर राज्य की राजधानी में होते हैं। जो ऑफिस हैं इनके वो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनकी जो राजधानी है उनमें आपको मिलेंगे। बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक भी शामिल हैं। सारे जितने भी टोटल बैंक्स हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। अब इसमें एक बात करते हैं, ये तो रही शिकायत की बात कि आप कब शिकायत कर सकते हैं बैंक ओम्बड्समैन में। लेकिन इसमें आपकी शिकायत जो है वो डिसमिस भी कर सकता है, पावर है। व्हेन विल बैंक ओम्बड्समैन डिसमिस कंप्लेंट, इसके बारे में चलिए बात करते हैं पॉइंट्स वाइज। पहला इसमें, यदि ग्राहक ने अपने पहले बैंक में लिखित शिकायत ना दर्ज की हो, सबसे पहले तो आपको बैंक ओम्बड्समैन से पहले जाने से पहले आपको बैंक में जो है लिखित शिकायत देनी जरूरी है। अगर आपका उस पर कुछ उपचार नहीं होता है तब जाकर आप ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं अपनी, या फिर बैंक द्वारा जिस तय समय सीमा के अंदर ग्राहक की शिकायत का समाधान करना है वह सीमा अभी समाप्त ना हुई हो। अगर 30 डेज का टाइम है, अगर वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आपका जो है शिकायत, और आपने वहाँ ओम्बड्समैन के यहाँ कंप्लेंट फाइल कर दी है, तब भी आपकी जो शिकायत है वो डिसमिस की जा सकती है, जो कंप्लेंट है वो डिसमिस की जा सकती है लोकपाल के द्वारा। चौथा, बैंक में शिकायत दर्ज किए हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका हो। मान लो आपने शिकायत दर्ज कर दी बैंक में और 30 डेज का टाइम तो उसमें निकल ही गया, हालांकि उसमें और 12 महीने बीत चुके हैं, तब भी आपकी शिकायत जो है इसमें डिसमिस कर सकता है। तो ये तो थे तीन तरीके तो थे आपके पास कि कैसे आप बैंक से ही निपटारा पा सकते हैं बिना लोकपाल का सहारा लिए हुए। लास्ट में इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो नोट में मैंने मेंशन किए, करंटली देयर आर 21 बैंकिंग ओम्बड्समैन सेंटर्स इन इंडिया। करंटली भारत में 21 बैंक लोकपाल जो सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं। तो ये तो था
तरीका, अगर आपके साथ कोई बैंक कर्मचारी दुर्व्यवहार करता है तो आप कैसे कानूनी रूप से चल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई सजेशंस हो, अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।